हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। ये मैंने बनाया आरएल क्राफ्ट के हार्डकोर मोड में और ये मेरा 32वां अटेम्प्ट है। तो इससे पहले मैं शुरू करूं, आप ये क्लिप देखना। एक काम करता हूँ, उसको यूट्यूब नहीं कर देता हूँ, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है। वो ये क्या है, फिर से सी में आ गया मैं। लग रहा है 33rd अटेम्प्ट होगा मेरा। ऊपर चलते हैं, एक काम करते हैं, देखते हैं आसपास कुछ है क्या। लैंड तो है पास में। ओह नाइस, बाइल टावर भी है। ओ भाई, पास में है काफ़ी। एक काम करते हैं, शोर के ना थोड़ा उस साइड चल के वहाँ से स्टार्ट करते हैं, बेसिक चीज़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। मैं ना समझ गया मैं क्या गलतियाँ कर रहा था इतने अटेम्प्ट से। मैं ना सर्वाइवल पे ध्यान। ओ भाई साहब, फ्लोटिंग हाउस में लाइट, इसमें ना बहुत ही सही लूट होती है। अंदर जाके ना बहुत सारा मतलब डायमंड वायमंड सब मिल जाता है इसमें। बस अंदर ना मॉब स्पॉन होते हैं, तो मेरे को एक काम करता हूँ, मैंने पहले शील्ड बना लेता हूँ। शील्ड के लिए मेरे को चाहिए होंगे टूल्स वगैरह, थोड़े से ग्रैवल वावल वाले, और वुड चाहिए होगा बेसिकली मेन। तो एक काम करते हैं, पहले शील्ड बनाते हैं, अंदर जाते हैं, वरना मॉब्स फिर मार देंगे मुझे। मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे इतनी देर बाद इतना अच्छा स्पॉन पॉइंट मिला ना, इसमें थोड़ा सेफ खेलते हैं, फालतू में पंगे नहीं लेते। इसमें जो सबसे पहला टूल बनता है ना, वो बनता है फ्लिंट से। फ्लिंट का नाइफ बनाना होता है एक, और उस नाइफ से हम बना सकते हैं एक हैचेट, एक्स यानी। फ्लिंट को पत्थर पर राइट क्लिक करने से शार्ड बन जाता है। वो नाइफ के बाद हम ग्रास पे मारेंगे ना, तो ये फाइबर मिलता है हमें, फाइबर से बना सकते हैं हम स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग से बना सकते हैं हम एक्स, और एक्स से काट सकते हैं हम पेड़। बस एक बार करना होता है स्टार्टिंग में, उसके बाद में अच्छा। इसमें ना जैसे आप नॉर्मल स्टोन को भी तोड़ते हो ना, तो उसके भी चार रॉक निकलते हैं, चार या तीन रॉक, और फिर उनको कंबाइन करके आप रॉक बना सकते हो, कॉबल स्टोन। फिर तब तो उसके बाद कॉबल स्टोन के टूल्स बन सकते हैं। और ये मैंने बना दी है शील्ड। अब मेरे बेसिक टूल्स हो गए ना, अब हम अंदर चल सकते हैं बिल्डिंग के। ये बिल्डिंग के अंदर तो आ गए हम, पर ये ना थोड़ा डेंजरस एरिया लग रहा है मुझे, काफ़ी अजीब सी बिल्डिंग है। और नीचे तो जाना ही नहीं भाई, नीचे तो मॉब स्पॉन होता है 100%। 5वें या 6वें अटेम्प्ट में मिली थी मुझे ये बिल्डिंग, और नीचे गया मैं, नीचे एक मॉब ने मुझे क्या ही मारा। और इसकी असली लूट ना ये होती है, ये दीवार के पीछे, ये भाई इन्होंने चेस्ट ही चेस्ट छुपा रखी है पीछे, और इसमें बहुत सी लूट होती है, देखनी पड़ेगी बस किस में है। काफ़ी सारी में होती है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे। ये रिजेस चेस्ट मिल गई यहाँ पे 31। ओहो, ये मिली ना असली लूट भाई, इतना सारा सामान। अभी और भी है पता, नीचे और भी सामान मिलेगा, क्या करें। अरे स्ट्रिंग को वूल बना देता हूँ, कर सकता हूँ क्या। अरे नाइस, ये हो गया ना, दो स्लॉट बच जाएंगे मेरे। हाँ, और उसमें मुझे लग रहा है अभी भी कम पड़ जाएगा मेरे पास स्लॉट्स, अभी भी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। क्या क्या छोड़ूँ, काम करते हैं, फेदर छोड़ देता हूँ। चलो ये हुई ना बात, खाना भी मिल गया भाई, बहुत सामान, मतलब बहुत सामान होता है इस बिल्डिंग में स्टार्टिंग में ना, फिर स्टार्टिंग की लूट हो जाएगी पूरी। हाँ फाइनली, ये रहा ना गाइस असली खजाना, वाटर बकेट वगैरह, काफ़ी सामान है तो बहुत कुछ। हुई एक सेकेंड, ये आवाज़ कैसी है, ठीक है। ये मॉब स्पॉन हो गया नीचे, उड़ने वाला है पक्का, निकलना पड़ेगा यहाँ से जल्दी तुरंत। ये सही है भाई, हाई ग्राउंड, अच्छा हाई ग्राउंड है ये, छोटी जगह है, इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा सुबह उठ के ना। तो एक काम करते हैं, रात में यही सो जाते हैं। बैटल टावर भी पास में ही है, यहाँ पे बेस बना देता हूँ, एक बेड बना लूँगा छोटा सा, बाद में सही इसी को बना लेंगे अपना घर, इसी
इस एरिया को। चलो भाई रात हो गई, जल्दी से सोना पड़ेगा। एक बार बेड बना के सोते हैं पहले। वुड का है? ओ तीन ही है भाई, गिनती का तीन ही वुड है। सो जाओ जल्दी से। छोटा सा मास्टर बेडरूम, मतलब अभी तो बिना दीवार का है, बस अभी बेसिकली थोड़ा सा ऐसी बनाया है ताकि थोड़ा सही सा लगे, बाकी धीरे धीरे बनाऊंगा पूरा। चलो लाइटों का भी काम हो चुका है और पहली दो रातें भी सक्सेसफुल हो चुकी है हमारी एक तरीके से देखा जाए तो। अभी गाइस यहाँ पे मैं बना रहा हूँ नीचे जाने का रास्ता, पूरा नीचे नदी तक। छोटा रह गया यार मैं थोड़ा, एक दो और ये, अरे चल भाई चढ़ जा, और ये तीन। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी पहाड़ तक तो सीढ़ियाँ कंप्लीट हो गई है, बट इसे नदी तक लेके जाना है जो मैं लेके जाऊँगा कल, क्योंकि अभी हो गई है रात और मॉब स्पॉन हो सकते हैं ना यहाँ पे, काफ़ी बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो अभी स्टार्टिंग की ना 4-5 रातें तो स्किप करनी पड़ेगी मुझे। भाई ये सीढ़ियों के सामने इतना सारा स्टोन है, इसको हटाना ज़रूरी है। ये एटलीस्ट दो लेयर हटा दूँ या तीन ही हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ तीसरी भी हटा दूँगा। नहीं वैसे मैं एक काम करूँगा, इसके आगे ना यही पे दो काफ़ी है, आई थिंक दो ही रहते। ओ भाई ये कैसे स्पॉन हो गया, ये क्या है, मारेगा तो नहीं, ऐसे मरते रहे फंसे रहे। ओ आ रहा है, ये हो गई मेरी सीढ़ियाँ बन चुकी हैं यहाँ तक नीचे नदी तक, मतलब अब थोड़ा एक्सेसिबल हो गया मेरे लिए पूरा घर से लेकर यहाँ तक। और 4 रातें भी हो गई है कंप्लीट बिना किसी कैजुअलिटीज़ के। तो गाइज़ इसी के साथ ये व्लॉग करते हैं हम ख़त्म, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जो कि आएगा कल। पेड़ 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 चीज काटना पड़ेगा, ये वाला पेड़ भी काटना पड़ेगा, ऊपर पर आना है ना पूरा इशू। भाई सही बता रहा हूँ, हार्ट अटैक आ जाता है यार मुझे, क्या था ये।